हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पूजा आप लोग के साथ शेयर कर रही है पनियारम की रेसिपी। अक्सर क्या होता है कि जब हम इडली बनाते हैं तो थोड़ा सा बैटर जरूरी बच जाता है, तो आप उस टाइम ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, या आप इसे ऐसे भी कभी नाश्ते में बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इडली जैसा बैटर तैयार कर लीजिए, या फिर आप बाजार से लाया हुआ रेडीमेड घोल का भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से ये रेसिपी बनाना। पनियारम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन चढ़ाएंगे। पैन के गरम होते ही इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल। तेल को गरम होने देते हैं। तेल के गरम होने के बाद 1 चम्मच इसमें राई डाल देंगे, जिसे सरसों भी बोला जाता है। इसे तड़कने देते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 2-3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। साथ ही में इसमें डाल देंगे 5-6 करी पत्ता। इन सबको फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे चॉप किए हुए प्याज। प्याज को हल्का सुनहरा होने तक हम फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा हल्का सुनहरा हो चुका है। अब हम कर देंगे गैस को बंद और इसे ठंडा होने देंगे। फ्राई किए हुए प्याज के ठंडा हो जाने के बाद इसे हम बैटर में डाल देंगे, और साथ ही में इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ता। यहाँ पे हम नमक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने बैटर बनाते टाइम नमक का इस्तेमाल किया था। अगर आप बैटर बनाते टाइम नमक का इस्तेमाल नहीं किए हैं तो इस टाइम आप नमक डाल सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको बैटर थोड़ी गाढ़ी लगे तो आप इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। बैटर हमारा रेडी है पनियारम बनने के लिए। अब हमें गैस पर अप्पम मेकर चढ़ा लेना है। इसे गर्म होने देंगे। हर सांचे में हम 2-3 बूंद तेल डाल देंगे। तेल के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे पनियारम का बैटर। सारे सांचे में हम 1.5 चम्मच के करीब बैटर डाल देंगे। अब इसे हमें ढक के मीडियम फ्लेम में 2-3 मिनट के लिए पकने देना है। 3 मिनट बाद हम ढक्कन हटाएंगे। अब हम एक एक करके सारे पनियारम को पलट लेते हैं। तो आप चम्मच की मदद से आप इसे पलट लें। वापस से ढक के इसे दूसरे साइड पकने देते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद हम ढक्कन हटाते हैं। ये दूसरे साइड भी सिक के तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है ये। बस ये 5 से 6 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। तो सारे हम पनियारम को निकाल लेते हैं एक प्लेट पर। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आप इसे नारियल की चटनी, धनिया पुदीने की चटनी, सांभर या केचप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या सिंपल चाय कॉफ़ी के साथ भी इसे खा सकते हैं। आप इसे गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए सुबह या शाम के नाश्ते पर। मैंने इसे सर्व किया है नारियल चटनी के साथ। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही ईजी है, और कितना फटाफट ये बन के तैयार हो जाता है ये आपने देखा ही है। तो आप ये पनियारम की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिए। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।